अच्छा दिखना चाहिए और बुरा नहीं दिखना चाहिए, इसके बारे में मैं आज अभी बातचीत करने वाला हूं। क्या है कि हम हमारे अंतर्मन के विचारों के गुलाम हैं। हमारे अंतर्मन में, हमारे ब्रेन में कंटिन्यूअस बातचीत चालू है, कंटिन्यूअस बातचीत है, और फिर वो कुछ ना कुछ बातें हम अपने आप से करते रहते हैं। जो भी घटनाएं हो रही उसके बारे में बात करते हैं, जैसा कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये वैसा क्यों हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वैसा नहीं होना चाहिए था, नहीं मगर मैं इसको सहमत नहीं हूं, नहीं मैं सहमत हूं, नहीं ये बराबर है, नहीं, वो गलत कर रहा है, नहीं वो सच्चा है, नहीं वो झूठ है, नहीं वो सत्य है, वो सत्य बात है, नहीं ये सत्य बात नहीं हो सकती, ये असत्य है। अच्छा फिर सॉल्यूशन क्या है, जवाब क्या है, ये तो बताओ, ये ऐसा हुआ ही क्यों, या ऐसा कैसे हुआ, अच्छा फिर क्या करना चाहिए था, क्या हो सकता था। इस तरह के कंटिन्यूअस कॉन्वर्सेशन हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, कंटिन्यूअस ऑन गोइंग। और फिर ये जो चल रहे हैं, ये सब जो आसपास जो हो रहा है उसके बारे में है, लोगों के बारे में है, परिस्थितियों के बारे में है, मगर हम उनको बोलते भी नहीं हैं। हम हमारे बाहर से क्या बताते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बराबर है, बाहर बोलेंगे भी नहीं, अपने आप को सप्रेस करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, फिर ये सब चल रहा काहे के लिए, ये सब जो चल रहा है वो बताने के लिए कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ अच्छा है। मैं कुछ बात मेरे मन में आने के बावजूद भी बोलता नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं मैं बोला तो बुरा लगेगा, या ये अच्छा दिखेगा नहीं, ये बुरा दिखेगा। मैं कुछ बोलूंगा तो वो गुस्सा करेगा, मैं कुछ ऐसा साफ सुथरा बोलूंगा तो उसको बहुत गुस्सा आएगा, वो मेरे ऊपर खफा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, या फिर मैं कुछ बोला तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए बोलते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, लोग, LKK सिंड्रोम, लोग क्या कहेंगे। और लोग क्या कहेंगे इतना बड़ी बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं करते, खुल के बात भी नहीं करते, जो मेरे मन में बोलते भी नहीं है, कंटिन्यूअसली ये विचार चालू है दिमाग में, चालू है। समझो हमने यदि एक माइक्रोफोन लगाया ना अंदर, भयानक आवाज बाहर आएंगी जो आप कभी सुन भी नहीं सकेंगे, इतना अंदर चालू है, जो बोलते नहीं है, सप्रेस करते रहते हैं। हम झूठ क्यों बोलते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं सच्ची बोला था, अच्छा लेकिन मैं काफी, हम बड़ा बड़े जाओ करते हैं, बड़ा बताते हैं, क्यों, क्योंकि छोटा बताया तो अच्छा दिखेगा नहीं। शादियों में लोग इतना खर्चा क्यों करते हैं, बताना पड़ता है बड़ा देखो सब कुछ ठीक चल रहा है, लुकिंग गुड, बड़ा अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए या बुरा नहीं दिखना चाहिए, लोग बोले क्या शादी किया, ऐसा लोग बोलेंगे। अरे भाई मरने के बाद में कोई मरता है ना आदमी, तो गरीब से गरीब आदमी भी उसकी तेरहवीं में लाख 2 लाख रुपया खर्चा करता है, क्योंकि लोगों को बुलाना ही पड़ता है, तेरहवीं में खर्चा करना ही पड़ता है, लोगों को खाना खिलाना ही पड़ता है, बड़े बड़े गिफ्ट हम देंगे क्योंकि अच्छा दिखता है, बुरा नहीं दिखना चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, गाड़ियों में जाएंगे, बड़ा बड़े जॉब बताएंगे कि देखो हमारा कितना बड़ा काम है। हम लोगों से पैसे क्यों नहीं मांगते, हमने दिए हुए, क्योंकि मांगे और उसने नहीं बोला तो अच्छा दिखेगा नहीं, वो क्या बोलेंगे, अरे क्या तुमको पड़ी है पैसे की, पैसे क्यों मांग रहे, अच्छा दिखेगा नहीं, या फिर झगड़ा हो जाएगा पैसे मांगे तो, इसलिए पैसे मांगते नहीं है। कितनी सारी बातें हैं कि जो हम करते ही नहीं है, पूरा हमने मास्क पहना के रखा हुआ है चेहरे के ऊपर, पूरा मास्क पहन के रखा हुआ है, कहेगा कि नहीं अच्छा दिखना चाहिए, बुरा नहीं दिखना चाहिए, पूरी जिंदगी हमारी ऐसी चल रही है। और फिर हम सोचते हैं कि यार मैं इतना सुखी क्यों नहीं हूं, मैं मुझे लगता हो एक्सप्रेस क्यों नहीं कर सकता, मुझे बोलना चाहिए था। कितने बार हम क्लास में रहते हैं, लोगों में रहते हैं, मुझे मालूम रहता है उसका जवाब क्या है, मगर मैं कभी हाथ नहीं करता ऊपर, कभी बोलता नहीं हूं, कभी मेरा मन बताता नहीं, मुझे डर लगता है कि समझो मैं गलत हो गया तो लोग हंसेंगे, और फिर लोग क्या कहेंगे, अरे इनको इतना भी नहीं आता, मुझे कभी कोई कुछ समझता नहीं है, मैं सवाल करने से भी डरता हूँ, क्योंकि मैंने सवाल किया लोगों ने, अरे तुमको इतना भी मालूम नहीं, और लोगों ने ऐसा बोला तो अच्छा दिखेगा नहीं, इसलिए मैं नहीं समझा तो मैं चुप बैठता हूँ, सवाल भी नहीं करता हूँ। पूरी जिंदगी जो है हमारी कि लोग क्या कहेंगे, बस LKK, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। थोड़ी से बाहर कैसे आ, इससे बाहर आने का एक तरीका है
वो ये है कि पहले उसको मौजूद हो जाओ, प्रेजेंट हो जाओ कि हम जेल में हैं। नंबर हम जेल में हैं, हम ये सब विचारों के जेल में हैं, बंधन में हैं, हम बोलते भी नहीं है, बांध के रखा हुआ है हमको। और फिर दूसरा, इसको बहुत ज्यादा महत्व देने का। आप जितना ज्यादा महत्व देंगे, जितना ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस देंगे, उतना ज्यादा आप सरप्राइज हो जाएंगे। क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी होने के क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। उसको ज्यादा अर्थ लगाने का नहीं, उसको ज्यादा महत्व देने का नहीं, कोई भी चीज को क्या महत्व है, क्योंकि आपको यह मालूम है कि वहां लाइफ में, जिंदगी में वहां कुछ भी अर्थ नहीं है। जो भी अर्थ है वो हम लगाते हैं, जो इंपॉर्टेंस है हम देते हैं, वहां कुछ भी नहीं रहता है। ये आपको मालूम है, मैंने अनेक मेरे लेक्चर में बताया हुआ है, वीडियो बताया हुआ है। तो फिर जब हमको मालूम है कि वहां कोई महत्व नहीं है, वहां कोई अर्थ नहीं है, फिर हमें उसकी चिंता करने को, जो भी अर्थ हम दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं, वहां कोई नहीं है, तो फिर हमने फुल्ली एक्सप्रेस जीना वो जरूरी है। आपको फ्रीडम मिलेगा, मजा आ जाएगी। सिर्फ आपने इतना भी किया, आपके लिए उधारे में दिए हुए पैसे मांग लिया ना, तो आपके पैसे वसूल हो जाएंगे वीडियो देखने के, जो टाइम दिया आपने उतना। कितने लोगों के पास आपने पैसे दिए, मांगते भी नहीं है, उधार ही वसूल नहीं करते, उधार बांटते रहते। जब ये हाँ नहीं बोलना है, मतलब हाँ बोलने का नहीं है, तभी भी मैं हाँ बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ना बोला तो अच्छा नहीं, मैंने परंतु ना बोलने का है तभी भी मैं हाँ बोलता हूँ। क्यों ऐसा? अच्छा नहीं, मैंने सीधा ना या वहां है वहां ना नहीं बोलता हूँ, जहाँ हाँ है वहां हाँ नहीं बोलता हूँ। कोई तो मेरा इतना काम कर दो, मेरी इच्छा नहीं थी काम करने की, मैं बोलता हाँ ठीक है कर लूंगा, और जबरदस्ती वो काम आम के लेता हूँ, करता हूँ। तो फिर हमको जो चाहिए वो जिंदगी कैसी थी? लोग अपने माँ बाप को जैसा चाहिए वैसा एजुकेशन लेते, अरे आपको जब चाहिए जैसा चाहिए वैसा एजुकेशन कब लेंगे? माँ बाप को जैसा अच्छा लगता वैसी जिंदगी, अरे आपको जैसी चाहिए वैसी जिंदगी आप कब जिएंगे? तो आप पूरा आत्मविव्यक्त होना जरूरी है, मजे करो, एक्साइटेड रहो, और ये जो बीमारी है इससे मुक्त हो जाओ। थैंक यू वेरी मच।